नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा की हैरियर और सफारी स्टॉर्म एसयूवीज की एक विस्तृत तुलना। क्या टाटा की पुरानी एसयूवी में आज भी नई एसयूवी से टक्कर देने का दम है? क्या वाकई में सफारी स्टॉर्म जैसी पुरानी एसयूवीज ज्यादा मजबूत हुआ करती थी और हैरियर जैसी आधुनिक एसयूवीज नाजुक है? दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा तेज है, कौन सी ज्यादा आरामदायक है, कौन सी ज्यादा सुरक्षित है, कौन सी ज्यादा टिकाऊ है, किसका पकड़ संतुलन बेहतर है, ऐसे कई तमाम सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेयरर्स का सफारी स्टॉर्म वर्सेस टाटा हैरियर कंपैरिजन वीडियो। दोस्तों, कार कंपेयरर्स के 4 लाख सब्सक्राइबर होने के अवसर पर हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सबके लिए हमने बनाया है एक माँ कसम सच्चा बायर्स गाइड और ये हम आप सबको भेजना चाहते हैं। हमारे आने वाले सारे वीडियोस में कहीं ना कहीं हम आपको एक पासवर्ड बताएंगे और ये पासवर्ड हमें वापस भेजने वाले लोगों को हम ये बायर्स गाइड फ्री में भेज देंगे। तो हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके फोन पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि वीडियो पब्लिश होने के बाद पासवर्ड भेजने वाले सिर्फ पहले 100 लोगों को यह बायर्स गाइड मिलेगा। वीडियो में बोला हुआ पासवर्ड, आपका शुभ नाम और पता डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर दर्ज कीजिए ताकि हमारा कुरियर आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। सफारी स्टॉर्म के टॉप एंड 4x2 मॉडल की कीमत है 17,80,000 रुपए ऑनरोड दिल्ली, जो हैरियर के टॉप एंड एक्सेड मॉडल से लगभग 2 लाख रुपए कम है। लेकिन एक बार फीचर लिस्ट भी देख लो फिर आपको लगेगा कि सफारी स्टॉर्म तो हैरियर से 5 लाख रुपए सस्ती होनी चाहिए। हैरियर एक्सेड में ऐसे 20-25 फीचर्स मौजूद है जो टॉप एंड स्टॉर्म में भी नहीं मिलते। हैरियर में साइड और कर्टन एयरबैग्स, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल और ISO फिक्स पॉइंट जैसे अनिवार्य सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, HID ज़ेनॉन हेडलैम्प्स और टेरेन रिस्पांस ड्राइव मोड्स मिलते हैं। JBL की लाजवाब सबवूफर वाली साउंड सिस्टम और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली आधुनिक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलती है इत्यादि। कुल मिलाकर हैरियर में तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए के अतिरिक्त फीचर्स उपलब्ध है, यानी कि मूल्य मापन के हिसाब से टाटा मोटर्स उसे सफारी स्टॉर्म से सस्ते में बेच रहा है। कॉमन फीचर्स की बात की जाए तो सफारी स्टॉर्म के टॉप एंड मॉडल में आज की सर्वसाधारण हैचबैक के सारे फीचर्स मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। सफारी स्टॉर्म का इंजन हैरियर से बड़ा है, उसमें हैरियर से ज्यादा पावर है, टॉर्क भी हैरियर से बेहतर है, फिर भी पिकअप हैरियर से कमजोर है। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है, जो है स्टॉर्म का वजन, जो हैरियर से 350 किलो भारी है। इसलिए 16 HP कम पावर और 50 न्यूटन मीटर कम टॉर्क के बावजूद हैरियर का पिकअप सफारी से साफ साफ बेहतर है। इतना ही नहीं, सफारी में टर्बोलैग की समस्या भी हैरियर से काफी ज्यादा है। हैरियर 1500 RPM से पिकअप ले लेती है, लेकिन सफारी 1800 RPM तक ठीक से पिकअप नहीं ले पाती। ऊपर से हैरियर का इंजन काफी ज्यादा तेजी से रेव्स पकड़ता है, इसलिए दोनों के शुरुआती पिकअप में आते ही ज्यादा फर्क महसूस होता है। स्मूथनेस के मामले में भी हैरियर का फियाट सोर्स मल्टीजेट इंजन टाटा के खुद के वेरिकर इंजन से साफ साफ बेहतर है। अब हम बात करते हैं माइलेज की। सफारी स्टॉर्म के टू व्हीलर मॉडल का ARAI माइलेज है लगभग 14 किलोमीटर प्रति लीटर, जो हैरियर से 2.5 किलोमीटर प्रति लीटर कम है। हमारे विश्लेषण में भी हमें हैरियर ने स्टॉर्म से लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर माइलेज दिया। फोर व्हील ड्राइव वाली स्टॉर्म का ARAI माइलेज है सिर्फ 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर, मगर हमारे विश्लेषण के वक्त उसने टू व्हील ड्राइव सफारी से सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति लीटर कम माइलेज दिया था। अब हम बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। आखिरकार हैरियर से टाटा ने अपनी बड़ी एसयूवीज के लिए लैडर फ्रेम चेसिस के बजाय मोनोकॉक चेसिस अपना ली, लेकिन जब सफारी स्टॉर्म विकसित की थी तब टाटा ने आरिया की लैडर फ्रेम चेसिस इस्तेमाल की थी। लैडर फ्रेम वाली गाड़ियां ज्यादा मजबूत होती है, बेहतर ऑफरोडिंग करती है, ऐसे कुछ मासूम गलतफहमियां आज मार्केट में पहली हुई है। ये लोग जानते नहीं कि विश्व की सबसे काबिल ऑफरोडर यानी कि रेंज रोवर भी पिछले 7 साल से मोनोकॉक चेसिस पर आधारित है, ना कि लैडर फ्रेम पे। लैडर फ्रेम गाड़ियों का वजन कैसे भी वजह से भारी होता है, इसका बढ़िया उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। लैडर फ्रेम वाली सफारी स्टॉर्म क्रैश टेस्ट में उससे 400 किलो हल्की हैरियर जितना अच्छा क्रैश टेस्ट रेटिंग जिंदगी में नहीं दे पाएगी। ऊपर से लैडर फ्रेम गाड़िया के ऊंचे CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण एक और समस्या रहती है। मोड़ों पर वह काफी धीमी रफ्तार से अंडरस्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। बॉडी रोल की समस्या भी इतनी ज्यादा रहती है कि कभी कभार लगता है कि दाएं बाएं डोलते डोलते यह गाड़ी खुद लुढ़क न जाए। इसके विपरीत
हैरियर मोड़ों पर लाजवाब पकड़ नियंत्रण दर्शाती है और बेहद चुस्ती फुर्ती से दिशा बदल करती है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। सफारी के बॉडी रोल को काबू में रखने के लिए टाटा के इंजीनियर्स ने उसका सस्पेंशन काफी सख्त बना दिया है, इसलिए टूटी फूटी सड़कों पर वह यात्रियों को तेज झटके पहुंचाती है। इसके विपरीत हैरियर खुरदरी रास्तों पर भी लाजवाब सस्पेंशन कंफर्ट देती है। सफारी का बस एक फायदा है कि वह रियर व्हील ड्राइव है, इसके वजह से कीचड़ और मिट्टी से भरे रास्तों पर फ्रंट व्हील ड्राइव हैरियर से बेहतर नियंत्रण दर्शाती है। और आपको उससे भी ज्यादा कठिन ऑफ रोडिंग करनी हो तो स्टॉर्म में 4x4 का पर्याय उपलब्ध है जो हैरियर में नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। सफारी स्टॉर्म हैरियर से 2 इंच लंबी है, लेकिन हैरियर उससे 1.5 इंच चौड़ी है। नतीजा ये कि दोनों गाड़ियों के भीतर 5 यात्रियों के लिए ढेर सारी अंदरूनी जगह उपलब्ध है। सफारी में पीछे 2 साइड फेसिंग सीट्स भी दी हुई है, लेकिन वास्तव में उन पर किसी को बिठाना मतलब सजा सुनाने से कम नहीं। सफारी की सबसे पिछली सीट्स इतनी घटिया है क्योंकि ना उनमें पर्याप्त लेग रूम, नी रूम और या हेड रूम है, और ना ही उनका अंडर थाई या लोअर बैक सपोर्ट। उनको निकाल कर वहां पर सामान रखना ही उस जगह का उचित उपयोग है, लेकिन फिर भी तो वो एक 5 सीटर बन जाती है जो हैरियर भी है और सफारी से कई गुना ज्यादा आरामदायक भी। ऊपर से दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स में जमीन आसमान का फर्क भी है। सफारी के इंटीरियर्स 20 साल पुराने और बिल्कुल चीप लगते हैं, वही हैरियर के इंटीरियर्स इतने उच्च दर्जे के लगते हैं कि 40 लाख रुपए की एसयूवी का धूल चटा दे। अब हम बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। बड़े खेत की बात है दोस्तों कि फिलहाल हैरियर खरीदना थोड़ा जोखिम भरा काम है। खुद टाटा मोटर्स के सीईओ गुंतर बुच्चक ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल किया है कि वह हैरियर के कई सारे बिगाड़ सुधारने में लगे हुए हैं। सफारी स्टॉर्म सालों से मार्केट में बिक रही है, लेकिन उसकी बिक्री कम होने की वजह से टाटा मोटर्स ने उसके अधिकतर बिगाड़ नजरअंदाज किए हुए हैं और वह आज तक ग्राहकों को सता रहे हैं। इसके बावजूद सफारी एक सीधी साधी गाड़ी होने के कारण उसमें मिलबूट बिगाड़ काफी कम है। अगर आप हैरियर की खरीदना चाहते हो तो हमारी आपसे यह सिफारिश है कि 6-8 महीने इंतजार करो। उस दौरान हैरियर के टिकाऊपन कैसा साबित हो रहा है यह फॉरम से पढ़ते रहो और उसके बाद ही गाड़ी खरीदो। रही बात सर्विस की, तो टाटा पहले से अब काफी सुधर चुका है, लेकिन आज भी कंपनी का अपने डीलर्स पे बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। 20 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि टाटा सुधर रहा है, लेकिन फिर भी वह बाकी प्रतिस्पर्धियों से पीछे ही रह जाता है। अगर वाकई में टाटा को अपने खुद पे गाड़ियों के इतना भरोसा है जितना वह बोलता है, तो रतन टाटा जी ने सीधा सीधा अपनी गाड़ियों पे 8-10 साल की वारंटी घोषित कर देनी चाहिए। फिर देखो कैसे उनके कर्मचारी काम पे लग जाएंगे, क्योंकि उन सबको अपनी नौकरी प्यारी है। ऐसे करने से गाड़ियों का टिकाऊपन और सर्विस तो सुधर ही जाएगा, लेकिन रिसेल वैल्यू भी जापानीज गाड़ियों से ऊपर चली जाती है। फिर देखेंगे कौन माइका लाल टाटा को नंबर 1 होने से रोक पाता है। पासवर्ड है XYZ563। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की। तो दोस्तों, हर पहलू में हैरियर सफारी से बेहतर गाड़ी है, इस बात में कोई संदेह नहीं, और इसी वजह से वह हमारी इस तुलना की विजेता भी। दरअसल टाटा मोटर सफारी स्टॉर्म को बंद करके हैरियर को ही नई सफारी नाम देने वाला था, लेकिन पिछले 4 साल में यह साबित हो गया कि सफारी खरीदने वाले ग्राहक और हैरियर खरीदने वाले ग्राहक यह दोनों बिल्कुल अलग रहेंगे, और नए मॉडल को कुछ अलग नाम दे दिया तो सफारी स्टॉर्म कुछ साल और ऐसी ही बिकती रहेगी। महीने के 400 स्टॉर्म बिकती रही तो 2 साल में 1500 करोड़ का धंधा हो जाता है, इसलिए उन्होंने नई सफारी को हैरियर का नाम दे दिया। लेकिन हैरियर बनाते वक्त खुद टाटा मोटर्स भी यही सोच रहा था कि गाड़ी हर पहलू में सफारी स्टॉर्म से बेहतर होनी चाहिए। जिन लोगों की सोच आज भी सफारी से आगे नहीं बढ़ पाई, उनको हैरियर कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन बाकी सब ने अब यह मान लिया कि हैरियर सामने होते हुए सफारी स्टॉर्म खरीदने में कोई समझदारी नहीं। अगर आपको टाटा हैरियर या सफारी स्टॉर्म की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।